नमस्कार मित्रों, छत्तीसगढ़ रायपुर से मैं उमेश राजन आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। जो शहर समुद्र से लगे होते हैं उन शहर के लोगों के लिए विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे शहर के लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में एक कौतूहल बना रहता है कि विदेश जाने का युग कब बनेगा, क्या हम कभी जा पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए जो जिनके मन में ये कौतूहल बना रहता है वो अपनी हस्तरेखा से जान सकते हैं कि हमारे भाग्य में विदेश जाने का योग कब बनेगा। और ये निश्चित है, ये बड़ा सटीक अध्ययन है कि यदि आपकी हथेली में जहाँ ये मणिबंध रेखा है, मणिबंध से एक रेखा यदि कहीं चंद्र पर्वत पर इस तरह से आ रही है, मणिबंध से एक रेखा इस तरह से चंद्र पर्वत पर आ रही हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को विदेश जाने का योग कई बार बनता है। और ऐसे लोग 35 की उम्र से पहले ही कई बार विदेश होकर के आ जाते हैं, लेकिन ये रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। लेकिन ऐसी रेखा जिनके हाथ में जीवन रेखा इस तरह से गोल है और एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत पर आ रही है, इस तरह से आ रही है, ऐसे लोगों के हाथ में विदेश जाने का योग, बहुतों के हाथ में इस तरह की रेखा मिल जाती है और यह भी विदेश जाने का प्रबल युग दर्शाती है। मेरे मित्रों, इसी तरह से यदि कहीं जो हथेली का ये जो पोर्शन है चंद्र पर्वत से लेकर के आपके निम्न मंगल तक, एक रेखा जो इनके इस तरह से आती है, तो ऐसे यदि किसी के हाथ में हो तो ऐसे लोगों के भाग्य में भी जीवन में कई बार विदेश जाने का युग बनता है और वो उनका आना जाना लगभग लगा ही रहता है। इसी तरह से मेरे मित्रों, यदि किसी गोल जीवन रेखा हो और गोल जीवन रेखा से इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं निकली हुई हो, तो ऐसे लोगों को भी कई बार विदेश जाने का योग बनता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए हाथ में विदेश यात्रा का जो योग है उसको वो रेखा तभी सर्टिफाई करती है जब उसके हाथ में बुध रेखा अच्छी हो और वो बुध रेखा ऐसी हो जो जीवन रेखा से निकलकर कम से कम हृदय रेखा तक या हृदय रेखा को क्रॉस करती हुई बुध पर्वत तक गई हो। इसके अलावा भाग्य रेखा का अच्छा होना भी जरूरी है। ऐसे लोगों के हाथ में जो भाग्य रेखा है वो या तो चंद्र पर्वत से निकली रहती है या केतु पर्वत से निकली रहती है। तो इस तरह की यदि भाग्य रेखा हो जो केतु पर्वत से निकली है या चंद्र पर्वत से निकली है, तो ऐसे लोगों को छोटी उम्र में ही कई बार विदेश जाने का योग बन जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है जिसके भाग्य में भाग्य रेखा 28 की उम्र से तैयार हो रही है, 28 का मतलब जिनके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से तैयार होकर ऊपर जाती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में जो विदेश प्रवास का योग है वो 28 की उम्र के बाद बनता है। लेकिन यदि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हथेली में शुक्र भाग्य रेखा यहाँ से बनती है ऊपर जाती है, तो ऐसे लोगों के भाग्य में विदेश प्रवास का योग 32 के बाद बनता है। अब एक छोटा सा प्रश्न ये भी होता है कि विदेश में ही सेटल हो जाने का है या इंडिया में रहने का है, ऐसा भी लोग पूछते हैं। तो यदि कहीं जो गोल जीवन रेखा है वहां से निकलती हुई दो तीन रेखाएं आपको इधर आती हुई मिल जाती हैं, तो ऐसे लोगों को लोग फॉरेन में ही सेटल हो जाते हैं। लेकिन यदि कहीं जीवन रेखा से एक रेखा शुक्र पर्वत पर आ रही है तो वो फॉरेन में सेटल होने को नहीं बताती है, लेकिन वो रेखा ये भी बताती है कि व्यक्ति जो उसका जो अपना जन्म स्थान है उस जन्म स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र सेटल हो जाएगा। लाइफ लाइन के एंड में फोर्क का होना नेटिव प्लस का छूट जाना बताता है। इस तरह मेरे मित्रों, हमने विदेश प्रवास के योग को जाना जब मणिबंध से एक रेखा चंद्र पर्वत पर जाती हो, हाथ में इस तरह की एक रेखा जो बुध रेखा हो, यात्रा रेखा हो जिसको एक इंट्यूशन रेखा भी बोलते हैं, इसके अलावा गोल जीवन रेखा हो जहां से निकलती हो, अच्छी बुध रेखा हो, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से विदेश जाने का योग बनता है।